अंदर का तो और अंदर ची 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 इतनी देखो एक सिक्का दिखा गंदगी तो छोड़ दो ये देखो ए, ये सिक्का वाह हो गई कि ऊपर तो है पानी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। अभी शाम का टाइम है लेकिन मेरा ब्लॉग ना शुरू हो चुका था बहुत टाइम पहले, तो वो मैं आज सबके साथ में दिखाऊंगी कि आज जो दिन है संडे और संडे में क्या क्या हुआ है। काम तो बहुत सारे हुए लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन जब मैंने कपड़े धो रही थी ना, कपड़े धो के हट गई थी, ढेर सारे कपड़े फ्रेंड्स धोए हैं, ये पड़े हुए हैं, अभी लेके आई हूँ उतार के, और कुछ थोड़ी देर पहले लेके आई थी, कुछ अभी लेके आई हूँ। तो ना मशीन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, मैं सोचती थी पता नहीं क्या हो रहा, मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। मिस्त्री को बहुत सारे फ़ोन कर लिया, आया भी नहीं था। जब एक दिन आया था तो हम बाहर थे, तो ना बहुत प्रॉब्लम हो रही। आज हस्बैंड ने पूरा खोल दिया और वो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कैसा निकला है मशीन में। तो वीडियो को ज़रूर से देखना, आप सबके भी शायद ये प्रॉब्लम हो तो आप सब भी उसको सॉल्व कर सकते हैं घर बैठे बिना मिस्त्री को पैसे दिए। तो वो मैं आप सबके साथ में आज शेयर करूँगी। तो मैंने वीडियो बनाया है इसीलिए कि भाई वॉशिंग मशीन में कपड़े सभी धोते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती रहती है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से पूरा देखना और कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताना। तो चलिए अभी ना शाम का टाइम है, मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, यहाँ तक घूम के आ जाती हूँ। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया काम में, संडे था, संडे फंडे लेट उठे, लेट सारे काम हुए। तो अभी ना थोड़ी देर के लिए मैं घूम के आती हूँ। और ये वाली ना चादर भी बिछा दी थी, चादर उधर आज सारी उतार दी, बहुत सारे कपड़े हैं फ्रेंड्स। अभी कर पाऊँगी तो कर पाऊँगी, नहीं कल करूँगी मंडे में। चलो चलते हैं अभी घूमने के लिए थोड़ा सा। ये देखो फ्रेंड्स, आज ना हमारी मशीन खुल रही है। लो दिखाती हूँ मशीन का सिस्टम। ये देखो ये जाल कितना गंदा, ये इसका जाल है और अंदर का तो और अंदर ची 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 इतनी देखो एक सिक्का दिख रहा है। गंदी की तो छोड़ दो, ये देखो वहाँ पर ये सिक्का, ये तू हटा हाथ, अभी हाथ धुला जा। सिक्का है और निकालता हूँ अंदर से। अभी देखो कितने रुपए निकलेंगे, ये फंसे पड़े कितने रुपए निकलेंगे देखो। कितने नहीं यार, अब हिलाना नहीं, रुक जा पानी डालना। ये देखो ये देख, ये देखो 10 का ये है, 20 और 21 रुपए अभी जो मतलब निकले हैं इसमें भाई। अभी और भी कुछ है, रुक जा ना, रुक पता नहीं अभी सिक्के, ये स्टीम टीना डाल दियो, सिक्का ही है अभी और नहीं है सिक्का। अजी क्या बात कर रही है, नहीं है और। ओ इतने सिक्के डाल देती हूँ मैं मशीन में। हाँ जी, तो तुम पैंट में से निकालते ही नहीं, सिक्के छोड़ो, देखने चाहिए ना तुम्हें पॉकेट में, सिक्के छोड़ो और नोट छोड़े करो ना, देखने चाहिए ना तुम्हें, 500 के नोट छोड़े करो पॉकेट में। सिक्के कौन छोड़ता है, दो दो एक एक के सिक्के पर क्या निकालो जेब में से। भाई बहुत दिन हो रही है क्लीनिंग आज मशीन की, क्या निकल नहीं रहा, पड़ा बहुत दिन से क्लीनिंग नहीं हुई है, कितनी गंदगी जम रही है, पानी लीकेज ये तो अटा पड़ा बिल्कुल फंस गया है। प्रेशर से नहीं निकलता, दूर हो जा, कितनी गंदगी मशीन में, छी छी छी। ये पानी की है, सरफ की है, क्या है ये, कपड़ों की है। ये देखो ये निकला दो का ओ, फिर गिर दिया, अभी बड़ा था, एक और है, अब नहीं है, एक और है अभी नहीं है अब, अरे एक और है भाई, दिखाना और दिखेगा अब यहाँ से निकलेगा, पाइप मार के ऐसे निकलेगा क्या। ब्रश ले लो वो वाला जो रखा, उसने लॉक कर दिया, सिक्का ने लॉक कर दिया, एकदम जैसा निकलना चाहिए ना प्रेशर से वैसा नहीं निकलता। हाँ बहुत दिन से साफ नहीं हुई ना बेटा, मैं तो नहीं खोलती मशीन। पाँच का ये पाँच का तो ज्यादा दिन का, ये तो बेचारे जंग लग गए इस पे, तो कितने निकल आए इसमें, 10, 20, 23 और 5, 28 रुपए तो हो गए। और अभी देखता हूँ, अब देखना पापा इन सारे रुपए को खर्च कर देंगे। तो है देखो ये तो कचरा है, मैं वीडियो में देख लूंगा ना, फिर जब इसकी सफाई होगी ना तब दिखाऊंगी आपको।
बहुत तेज उड़ रहा आज भाई। बहुत दिन में क्लीनिंग हो रही है मशीन की। अभी ये वाइट कपड़े यहाँ पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े धोए हैं आज मैंने, जो सब पड़े हैं ऊपर। ऐसे सारी हो गई क्लीन मशीन भाई। बहुत गंदी निकल रही है मशीन, बहुत दिन में क्लीनिंग हो रही है। और आज मैंने कपड़े भी ढेर सारे धुले हैं, बहुत कम से कम 3-4 घंटे हो गए। और कपड़े बस मैंने ना 3 दिन हो गए, लेकिन मुझे कपड़े धोए 3 दिन में तो बहुत हो जाते हैं। गर्मी में 2 चादर हो गई बेड की, और बहुत सारी मतलब कपड़े, ड्रेस वगैरह बहुत कपड़े हो गए थे। कुछ लेके आ गई हूँ उतार के, और कुछ पड़े हैं ऊपर, हाथों हाथ सुखा के लाती रही हूँ मैं। और अभी जो है नहाई नहीं हूँ, अभी मशीन हटाऊँगी, क्लीनिंग हो रही है इसकी। इधर पूरा साफ करने के बाद मैं नहाऊँगी, दिखाती हूँ कैसी हो गई मशीन साफ सफाई इसकी। हो क्लीन क्लीन हो, ये लग रही है तुम्हारी साइड थोड़ा सा धारी में, यही वाह हो गई क्लीन भाई। मान गए मुगले आजम, कर दे मशीन वो जाल और क्लीन कर देना। देखो जाल कैसा हो गया इधर से, तो साफ हो थोड़ा ही रहा, जाल भी हो गया, दिखाना ठीक से दिखाना। हाँ थोड़ा ही रहा, ये हो गई क्लीन, ये देखो ये हो गया क्लीन, ये हो गया। ऐसे ही था पहले और ऐसे ही था है? अच्छा और सही है, इधर भी धुलो, इधर इधर धुलो। अच्छा एक निकली थी ये वाली अक्स की चाबी, अक्स की पेंट में होगी ये वाली चाबी निकली थी। आज तो भाई मशीन में बहुत सारा माल निकल गया, बहुत सारा अटक के भी चल रही थी मशीन, क्या पता ही सीरी अटक रही हो। अब क्लीनिंग हो गई, अब के बाद कपड़े धोऊंगी, जब देखूंगी कैसे चलेगी। आलू देख, आलू कैसे झांक रहा, आलू फिर भी पड़ गई। अब देखना देखना थोड़ा, अभी अभी देखना, ये कचरा कहाँ से निकल रहा, स्पीड बढ़ गई नहीं। हाँ हो गई साफ, दिखाना उल्टा हो गया थोड़ा थोड़ा, चलो सही है मस्त। आलू क्या कर रहा है तू, रेडियो बंद हो गई, वो नहीं लगाया क्या वाइट वाला, लगेगा इसके बाद। तो ये देखिए फ्रेंड, दिन है संडे का, और कितनी ज़्यादा मेरी मशीन गंदी हो रही थी ना, और अभी देख सकते हैं आप, पहले देख सकते हैं और अभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्लीन कर दी है हस्बैंड ने। तो ये ना बहुत ज़्यादा अटकती थी मशीन, बहुत ज़्यादा अटकती थी। कई कई बार इसके ना ये बटन वगैरह है ना, जो हाथ मार मार के मुझे कपड़े धुलने पड़ते थे, और बहुत ज़्यादा कभी कभी गुस्सा भी आता था। तो मुझे ये नहीं पता था क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगता था ना कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये मिस्त्री को दिखानी पड़ेगी। क्योंकि जब चीज़ एक बार ख़राब हो जाती है ना, तो फिर बार बार ही वो मतलब ऐसा ही हो जाता है कि वो ठीक से चलती नहीं है, जो इनकी मोटर वगैरह होती हैं। तो अभी जो है हस्बैंड ने ऐसे ही अचानक से खोल दिया, मैंने इनसे कहा था कि पानी जो निकलता रहता है इसमें, जब मैं डालती हूँ ना कपड़े वगैरह धुलती हूँ, तो सरफ वगैरह तक भी निकल जाता है फ्रेंड्स। तो मुझे कई कई बार पानी और सरफ भी मतलब ज़्यादा वेस्ट होता था, तो मैंने इनसे बोला। तो बस मैं कपड़े धुल के जैसे ही हटी थी ना, कपड़े भी आज ढेर सारे थे, वो भी आप सबने देख ही लिए कितने कपड़े धुले हैं। तो जैसे ही मैं हटी ना, तो इन्होंने पूरा मशीन खोल दिया, मतलब मुझे पता नहीं था मैं अंदर थी, मतलब कपड़े सुखाने गई थी मैं ऊपर। तो देखा क्या कितनी गंदी मशीन, आप लोग देख सकते हैं। और इसकी क्लीनिंग की थी ना हमने जब सर्दियाँ शुरू शुरू हुई थी ना, जब पिछले साल, एक साल ही समझो जब इसकी क्लीनिंग हुई थी। तो मशीन की क्लीनिंग होते रहना भी बहुत ज़रूरी है, और हमने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। एक बार और इसमें सिक्के फंसे थे, तब पीछे से ही पाइप खोल के हस्बैंड ने निकाल दिए थे, लेकिन पूरी मशीन नहीं खोली थी। और आज आप देख सकते हैं इसमें कितना कीचड़ निकला है, बहुत ज़्यादा गंदी मशीन निकली थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और सिक्के तो इतने ज़्यादा निकले थे कि मुझे इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था कि इसमें इतने सिक्के पड़े हुए हैं, और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो देखती हूँ जब अब की बार कपड़े धुलूंगी ना, तब देखती हूँ क्या रिजल्ट आएगा, कितना मन लगेगा कपड़े धोने में, कितना नहीं।
तो मैं ना दोपहर में फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि आज लेटने का टाइम तो बिल्कुल ही मिला नहीं सोने का। और फिर मतलब संडे है, संडे में पूरा दिन बिजी जाता है, लेट उठते हैं, लेट ही सारे काम होते हैं। और फिर ये मशीन खुल गई तो कम से कम 1 घंटा इसमें भी लगा। उसके बाद लेट के उठ गई थी, फिर काटे हैं आम। आम भी फ्रेंड्स देखने में तो इतने ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन कई सारे आम खराब भी निकल गए। महंगे इतने मिल रहे हैं और फिर जिस चीज़ जब खराब निकल जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मैं यहाँ पे आम खा रही थी, मुझे यही नहीं पता कि आरब ने वीडियो भी बना लिया है। मुरझा ही गए। ऊपर तो है पानी, देखो फूल आ रहे छोटे छोटे, है ना सुंदर लग रहे। ये देखो गेंदे के कितने सारे जम रहे हैं ना, उसमें ना 1 से 2 इंच बढ़ रहे हैं बिना बोए रहे, इतना फूल पड़े ना इसमें सारे जम रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ना जब ऊपर आई थी तो मैंने सोचा ये थोड़े से कपड़े रह गए हैं, चिमटी वगैरह हैं, इनको ही मैं रख देती हूँ, क्योंकि चिमटी ना धूप में ख़राब हो जाती है। तो लोहे वाले जो है ना वो मैं तार में लगी छोड़ देती हूँ, और प्लास्टिक वाली जो है नीचे लेके चली जाती हूँ। तो इसके बाद मैं जाऊँगी दूध लेने के लिए, लेकिन अभी देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। सब खा जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं दूध लेने। और ये जो गाय है ना डेली आ जाती है रोटी खाने के लिए, तो जब खिला देते हैं ना तो चुपचाप चली जाती है। तो जब रोटियां जो होती है ना वो वेस्ट नहीं जाती है मेरी। जब पानी नहीं था ना तो कैसे हो रहे थे, पानी डालते ना ये खड़े हो गए बढ़िया एकदम। ये देखो ये रख के आए हैं गेहूं आटा बनाने के लिए दोनों साइकिल से। अक्स को दे दो साइकिल। तो देखिए फ्रेंड्स हम गए थे थोड़ी देर के लिए घूमने, क्योंकि अजीब सा मन मतलब हो रहा था शाम के टाइम। हवा तो चल नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए चले गए घूमने, क्योंकि बच्चे भी घर में शाम के टाइम नहीं रहते हैं। और फिर आज मैंने सोचा चलो थोड़ी देर घूम के आते हैं। उसके बाद में खाना वाना बनाया, बर्तन वगैरह धुले, मतलब खाना बन रहा है, हस्बैंड बना रहे हैं थोड़ी सी चटनी। इतने मैंने आटा उटा गूंद के रख दिया है, सब्जी बन चुकी है, आज बनाया लौकी का रायता और कुछ सब्जी रखी हुई है। तो बच्चों ने फरमाइश की चटनी बनाने की, तो बस ये चटनी बना रहे हैं। और मैं ना ये हरी मिर्चें जो हैं ये डंठल होते हैं ना इनके, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और इन्हें आए हुए ना कुछ कल आई थी कुछ परसों आई थी, तो मैंने ना इनको डंठल इनके तोड़ के ना डब्बे में पैक करके रख दूंगी। इससे ना हरी मिर्ची ज़्यादा भी चलती है और मतलब ख़राब भी नहीं होती। तो अभी जो है बन गया मेरा खाना, और ये अरब का पराठा हो रहा रेडी। तो पराठा खाने में चटनी रायता और भुट्टे भी हैं, और सब्जी इन्होंने कोई से नहीं ली नहीं, तो बनाए हैं पराठे। तो फ्रेंड्स बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बताइएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरी मशीन का आप हाल देख सकते हैं। अगर आपकी मशीन भी ऐसी होगी हो तो आप भी ज़रूर से ठीक करना। अभी रात हो रही है, मैं अपने चेहरे की शिकायत कर रही थी, मेरा अरब का वीडियो बना लेता मुझे कुछ पता नहीं चलता है। तो बस अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।